अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर खुरमा। पनीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काजू, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 से 4 मीडियम साइज़ की टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, ये फ्रेश हमारी पनीर। चलिए बनाते हैं पनीर खुरमा। अब हम पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर हमने पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पनीर को फ्राई करने से अच्छा टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, या नहीं तो वैसे भी डाल सकते हैं। अब हमारा पनीर बिल्कुल रेडी है, गोल्डन ब्राउन होकर। साइज के टमाटर है ये, 2 मीडियम साइज की प्याज, 1 टेबल स्पून काजू और 3 से 4 इलायची डाल के हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसे इसका पेस्ट बना लेंगे। सॉफ्ट होने तक इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून ये अब डाल देंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। जब तक भुनेंगे, जब तक ये अच्छे से अपना ऑयल सेपरेट ना हो जाए, जब तक हम इसको अच्छे से भुन लेंगे, ये टमाटर प्याज की जो स्मेल है कच्ची वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमारी ग्रेवी सेपरेटली हो गई है, अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है ग्रेवी में हमारी। अब अच्छे से पक गई है हमारी ग्रेवी। अब हम इसे ऐड करेंगे हमारे जो पनीर, चाहे तो इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा बस, तो इसे और 2 मिनट्स पकाएंगे हम, फिर सर्व करेंगे। अब हमारा पनीर खुरमा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप चावल, नान, रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।